एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल माइंड सूत्रा, ऐसी चैनल जो आपको आपकी ड्रीम लाइफ जीने में मदद करे। आज मैं बात करूंगी कि फाइव लव लैंग्वेजेस क्या होते हैं। हम हमारे डे टू डे लाइफ में, अपने रिलेशनशिप्स में, कोई भी रिलेशनशिप हो, कई बार कम्युनिकेशन गैप के कारण बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती है। तो लव लैंग्वेजेस ऐसा टूल है जिसमें आप अपने पार्टनर का कम्युनिकेशन स्टाइल क्या है वो आप समझ सकते हैं। सो गैरी चैपमैन ने अपनी बुक फाइव लव लैंग्वेजेस में एक टूल के बारे में डिस्कस किया था, वो है फाइव लव लैंग्वेजेस। उनके अकॉर्डिंग हर कोई पांच तरह के लव लैंग्वेजेस में से कोई एक या दो में प्रेडोमिनेंटली यूज़ करता है अपने लव को एक्सप्रेस करने के लिए, और वो एक्सपेक्ट भी करता है कि उसे उसी लव लैंग्वेज में कम्युनिकेट किया जाए। ये ज़्यादातर सबकॉन्शियसली हम करते हैं, बट अगर हमें इसकी अवेयरनेस हो तो हम हमारे रिलेशनशिप्स में कम्युनिकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो ये लव लैंग्वेजेस क्या हैं? पहला है वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन, मतलब कि स्टेटमेंट्स या ऐसे वर्ड्स सुनना या बोलना जो मोटिवेट करें, एनकरेज करें और उनके एफर्ट को हम अप्रिशिएट करें। तो अगर जैसे कि अगर आपके पार्टनर ने कुछ अच्छा काम करा है तो उनको ये सुनना अच्छा लगेगा कि उन्होंने कितना अच्छा काम करा है, या फिर उनकी क्वालिटीज़ की तारीफ़ करना, या फिर उनके जो स्ट्रेंथ और स्किल्स हैं उन्हें अप्रिशिएट करना, या वो क्यों आपके लिए वैल्यूएबल है ये उनको बताना। तो उन्हें ये चीज़ सुनना बहुत मायने रखता है। और चांसेस है कि अगर आपका भी लव लैंग्वेज ये है वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन, तो आप भी यही पसंद करेंगे सुनना। तो जब हमें इस तरह की क्लैरिटी आती है तो हम उस लैंग्वेज में ही बात करेंगे। दूसरा है क्वालिटी टाइम। तो अगर आपका या आपके पार्टनर का ये लव लैंग्वेज है तो आपको क्वालिटी टाइम स्पेंड करना बहुत अच्छा लगेगा। जब आप एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हों तो पूरा टाइम सिर्फ आपको या आपके पार्टनर को देना ज़रूरी होगा। तो सपोज़ अगर आपके पार्टनर का ये लव लैंग्वेज है क्वालिटी टाइम, तो उनको नहीं पसंद आएगा जब आप उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो तो आप मोबाइल देखें, किसी से फ़ोन पे बात करने लगे, या फिर टीवी देखते देखते उनसे बात करें, या कुछ और काम करते करते उनसे बात करें। उनको चाहिए कि जितना टाइम आप उनको दे, भले 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा, बट वो टोटली उनके लिए डेडिकेटेड हो। तो ये उनके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्वालिटी टाइम उनका लव लैंग्वेज है या नहीं। इसके लिए क्विज भी है जिसमें आप अपना या अपने पार्टनर का लव लैंग्वेज पता कर सकते हैं, जो मेरे ब्लॉग में डाल दूंगी और मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगी लिंक। तीसरा है एक्ट ऑफ सर्विस। अब आपके पार्टनर का अगर ये लव लैंग्वेज है एक्ट ऑफ सर्विस, तो वो अप्रिशिएट करेंगे अगर आप उनके रोज़ के जो काम हैं उसमें कुछ मदद करें। उनको लव इस तरीके से एक्सप्रेस करना भी पसंद है कि वो कुछ काम करके पसंद अपना लव एक्सप्रेस करें। सपोज़ आपके साथ ग्रोसरी में मदद करा दी, सपोज़ घर के कामों में मदद करा दी, या फिर बच्चों की टेक केयर कर रहे हैं, या फिर आपके अपॉइंटमेंट्स जो हैं डॉक्टर को, वो उसके लिए आपके साथ जा रहे हैं। तो इनके लिए इसी तरीके से ये एक्सप्रेस भी करते हैं और ये एक्सपेक्ट भी करते हैं कि इस तरीके से आप लव अपना एक्सप्रेस भी करें। तो अगर आपका या आपके पार्टनर का एक्ट ऑफ सर्विस लव लैंग्वेज है, तो आप इंश्योर करिए कि आप अपना लव कुछ करके उनके लिए एक्सप्रेस करें। इन लोगों के लिए वर्ड्स उतने मायने नहीं रखते जैसे वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन। अगर वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन भी आप यूज़ कर रहे हैं तो उसमें कोई गलत नहीं है, बट उसे आप बैकअप करिए अपने एक्शन से, वो उनके लिए ज़्यादा वैल्यूएबल है। अगला पॉइंट है फिजिकल टच। तो जिनका भी लव लैंग्वेज फिजिकल टच है, उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि उनको हग करके, कडल करके, स्नगल करके इस तरीके से अपना लव एक्सप्रेस करें। अगर ये ना हो तो ये इनके लिए इमोशनली काफ़ी डिवेस्टेटिंग होता है। तो इंश्योर करिए आपके पार्टनर का अगर फिजिकल टच लव लैंग्वेज है तो उनको इसकी काफ़ी ज़रूरत होगी। तो उनको स्नगल, मसाज, हग, ये सब उनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और आखिरी पॉइंट है गिफ्ट्स। तो गिफ्ट्स को आप मटेरियलिस्टिक नीड की तरह ना देखिए। गिफ्ट्स जिनका भी लव लैंग्वेज है उनके लिए बहुत ज़रूरी है, जो थॉट गई है उस गिफ्ट के पीछे, ये उनके लिए बहुत मायने रखता है कि आपने उनके बारे में सोच के उनके हिसाब से कोई गिफ्ट लिया है। तो अगर आपका या आपके पार्टनर का ये लव लैंग्वेज है, तो गिफ्ट देना एक मटेरियलिस्टिक चीज़ नहीं है, बट एक इमोशनल नीड है जो कि मटेरियल फॉर्म
से छिपी हुई है, तो उनके इमोशन को समझते हुए, उनके लिए क्या इम्पोर्टेंट है उस चीज़ का ध्यान में रखते हुए आप उनके लिए गिफ्ट्स दीजिए। तो हम सभी के साथ पांचों में से पांच जो लव लैंग्वेज है वो हो सकते हैं, बट इनमें से दो, एक या दो काफ़ी ज़्यादा प्रिडोमिनेंट होते हैं। तो आपके कौन से हैं वो आप नीचे दिए गए लिंक से क्विज लेकर आप देख सकते हैं कि आपके और आपके पार्टनर की क्या प्रिडोमिनेंट लव लैंग्वेज है, और आप उसी स्टाइल में आप कम्युनिकेट करेंगे तो आपके कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा। तो ये लव लैंग्वेजेस हम कैसे यूज़ कर सकते हैं? तो सपोज़ आपको खाना बनाने का काफ़ी शौक़ है और आपने बड़े शौक़ से अपने पार्टनर के लिए बहुत अच्छी डिश बनाई, तो आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि वो आपको बहुत अप्रिशिएट करे, आपने अपना लव इस तरीके से एक्सप्रेस किया है। बट अगर आपके पार्टनर का लव लैंग्वेज है वर्ड्स ऑफ अफर्मेशन, तो वो शायद इसे अच्छा बोलेंगे, तारीफ़ करेंगे, बट बहुत ज़्यादा इम्प्रेस नहीं होंगे, वो खाने के बारे में तारीफ़ करके खुश हो जाएंगे। तो आपको अच्छा नहीं लगेगा कि आपने इतने शौक से उनके लिए बनाया, आपका लव लैंग्वेज था एक्ट ऑफ सर्विस, तो आपने सर्विस के थ्रू, आपने एक एक्टिविटी के थ्रू अपना लव एक्सप्रेस किया, बट उनका लव लैंग्वेज था वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन, तो ये मिसमैच हो गया। तो उनको आपका एफर्ट उस तरीके से नहीं दिखा और आप नहीं समझ पाए कि वो, उनको जो चाहिए था वो था वर्ड्स ऑफ एफर्मेशन, तो आप वो कर रहे थे जो उनको एक्चुअली चाहिए नहीं, और उनको जो मिला उन्होंने देखा नहीं कि आप उस तरीके से एक्सप्रेस कर रहे हैं जो आप खुद चाहते हैं। आप खुद चाहते हैं कि सामने वाला आपको एक सर्विस के थ्रू, एक्ट ऑफ सर्विस के थ्रू आपको लव जाहिर करे। तो ये जब हमें समझ में आ जाता है कि हमारा और हमारे पार्टनर का लव लैंग्वेज क्या है, तो हमारे कम्युनिकेशन बेटर हो जाती है, अंडरस्टैंडिंग बेटर हो जाती है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि सारे आपके रिलेशनशिप के प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। रिलेशनशिप वर्क इन प्रोग्रेस है, लाइफ लॉन्ग, तो इसमें कंटिन्यूसली हमें इम्प्रोवाइज और इम्प्रूव करना पड़ता है। बट लव लैंग्वेजेस की समझ से हम अपना अंडरस्टैंडिंग और कम्युनिकेशन काफ़ी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो मुझे कमेंट करके बताइए आपका लव लैंग्वेज क्या है और कैसे लगे आपको ये पॉइंट्स। और इसी तरह के इंग्लिश कंटेंट के लिए मेरे ब्लॉग को विजिट कीजिए mindsutra.in पर, जहाँ पे मेरा पॉडकास्ट भी है इंग्लिश में। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। सी यू इन अनदर वीडियो। बाय।